मोगा में सरकारी अस्पताल फिर से चर्चा में आए। एक गर्भवती महिला की मौत। महिला के गर्भ में बच्चा पहले ही मर चुका था। परिवार के सदस्यों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। मोगा के सरकारी अस्पताल के प्रसूति वार्ड में कभी कभी लापरवाही होती है। मामले प्रकाश में आए और हर बार जांच का विषय बने हुए हैं। प्रसूति वार्ड आज फिर सुर्खियों में आया जब एक 26 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई। संदीप तुसी सुबह कितने बजे आई सी? सुबह मैं 10 बजे आई। की होया फिर थी? जदों मैं आई हां वो कहंदे स्कैन करवा लो। ए असी स्कैन करवाउण उधर गए। जदों असी स्कैन इत्थे दिखाई आंटी लखवीर नूं विखाई असी, वो कहंदे भी बच्चा तां डैड आ। असी उपर लै गए, असी उहनां नूं नहीं दस्सिया भी बच्चा खत्म आ। वो कहंदे गेड़े कढ़ाई चलो। फिर आ मासी गई मेरी, ये कहंदे भी प्रेशर नाल बच्चा चक लो। असी 3-4 वारी कहा भी प्रेशर नाल बच्चा चक दो, वो कहंदे नहीं दर्दां लई जाण दो। उसी सुबह करीब 7 बजे मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक महिला चिकित्सक ने उसे स्कैन किया और पता चला कि महिला के गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो गई थी और डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। हमने डॉक्टर से हमारी लड़की का ऑपरेशन करने और मृतक बच्चे को बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर ने हमारी बात नहीं मानी और पूछा क्या यह एक सामान्य डिलीवरी होगी। लेकिन हमने बार बार मृतक बच्चे को बाहर निकालने के लिए कहा हमारी बेटी का ऑपरेशन करना। लेडी की मौत हुई है, क्यों मौत हुई है और परिवार वाले का कहना है कि अनजानी है कोई नहीं? नहीं जी, पेशेंट साढ़े को सुबह आया सी, सानू ओदी धड़कन नहीं मिली डॉपलर से। असीं ओदी फटाफट अर्जेंट स्कैन कराई हॉस्पिटल च। अंदर स्कैन च लिखा होया सी कि बच्चा अंदर मर चुके ऑलरेडी। सिंस मरीज का रजनी का पिछला बच्चा नॉर्मल होया सी, तो एक मरे बच्चे लिए सीजेरियन नहीं सी कर सकते असीं, इसलिए असीं उहनूं नॉर्मल लिए ही उदा ही ऑगमेंट कर रहे सी। लेबर उहनूं ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी दर्दां सीगियां। तो शाम को करीबन 3:30 बजे पेशेंट अपने आप अपने बेड पर कोलैप्स हो गई, तो सडन डैथ हो गई। कोई सिम्पटम सी क्या इस तरह का? नहीं जी, यह जो कुछ नहीं सी। बीपी वगैरह या कुछ? सब सही सी जी। लास्ट टाइम कदों बीपी चेक करवाया सी? 3:15 के बीच पेशेंट लेबर रूम चाह के बीपी चेक करवा के गई है। उदो कोई कॉम्प्लिकेशन सी इस? नहीं। की समझ कारण की हो सकता है? देखो एग्जैक्ट कारण तो फिर पोस्टमार्टम से ही पता चलता है, इदा नहीं तुसी कुछ दस सकते। उधर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सिमरत खोसा ने कहा है कि यह मरीज सुबह हमारे पास आया था, हमने उसे स्कैन किया, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई थी, उस समय सामान्य थी। हमने इंतज़ार कर रहे थे सामान्य प्रसव हुआ, क्योंकि बच्चे का जन्म एक सामान्य प्रसव के साथ हुआ था और लगभग 4 बजे उसकी मृत्यु हो गई। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।